सरनायक साहब यहाँ का बहुत जुन्ना लोकप्रतिनिधि है, उन्होंने जो मुद्दा उठाया उनको वो सही लगा, क्योंकि अगर उनका एमएलए एरिया में कुछ भी गलत होता है उसको पॉइंट आउट करना, वो संबंधित अधिकारी को बताना उनका काम है। प्रताप सरनायक साहब वही काम किया। लेकिन सरनायक साहब से भी हमारा यही विनंती है कि अगर एक ही होटल में दो होटल में ऐसा कुछ होता है उसको आप सारा होटल को तकलीफ मत दे। हमारे एक ही उनसे भी रिक्वेस्ट है, सरनायक साहब हमारा भी भला ही चाहता है, होटल इंडस्ट्री अच्छा होवे तभी शहर का नाम होवे, सरनायक साहब भी वही चाहते हैं। सरनायक साहब ने किधर भी गलत किया करके हमने कभी बोला है गया? सरनायक साहब ने वही किया कि कोरोना टाइम में जो भी इलीगल का कंस्ट्रक्शन हुआ रहेगा, जो होटल में गलत व्यवसाय हुआ रहेगा उसको पर कार्रवाई करो करके बोला। सारा इंदर मीरा बंदर का जो होटल है उस पूरा गलत है, उसको पर आप थोड़ा कार्रवाई करो करके सरनायक साहब कहा बोला नहीं है। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ काशी मीरा होटल एसोसिएशन के सेक्रेटरी उदय जी के साथ। उदय जी, मैं ये बात ये जानना चाहूंगा कि ये जो 127 होटल के बारे में बताया गया कि नोटिस वगैरह दिए, वो क्या है एक्चुअल में? अब तब जी पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारा होटल एसोसिएशन का बारे में भी कुछ सुनने का कोशिश किया। आप पहले भी हमारा एसोसिएशन ने जो अच्छा काम किया उस टाइम भी आपने आपने राशन डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने वो भी कवर हमारा लोगों तक पहुँचाया हुआ है। ये 127 होटल को नोटिस दिया, मतलब नोटिस तोड़ने का नोटिस नहीं है। ओके, ये जो नोटिस ऐसे है कि जो उत्तन से लेके चाइना तक का जो मीरा बंदर जुरिडिक्शन में महानगर पालिका के एरिया में कितना भी होटल है उनका होटल का लीगल इलीगल जो कुछ है वो देखने के लिए उनका जो पेपर है संबंधित जो कागज पत्र है लाइसेंसिंग और जो कुछ पेपर है वो फाइल मंगा लिया वार्ड ऑफिसर का। ये हमने कन्फर्म हमको भी कभी हुआ, हम हमारा एक डेलीगेशन गया था महानगर पालिका में, कमिश्नर साहब से मिला कि क्यों, इसलिए कि हमारे को हर टाइम वार्ड ऑफिसर चेंज होएगा या अतिक्रमण अधिकारी चेंज होएगा उस टाइम होटल वालों को नोटिस आता है। हमने साल में कम से कम 4 बार ये हमारा होटल का कागज पत्र जमा किए ले, लेकिन इस बारे में हमने नया कमिश्नर साहब का ध्यान में लाने के लिए गया था, लेकिन हमको उस टाइम मालूम पड़ा कि ये कमिश्नर साहब ने इन लोगों को बोला था कि आप सब होटल का पेपर कागज पत्र देख के रिपोर्ट करो करके, वो कागज पत्र इतना दिन में आप सबमिट करो करके नोटिस दिए किधर okay. आपका होटल इल्लीगल है आप उसके ऊपर कार्रवाई करने का बोल के नहीं दिया। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक सबसे बड़ा जो पॉइंट सामने आया है कि 127 होटल मालिकों को ये कहा गया कि आपके होटल से संबंधित आपके पास क्या क्या पेपर है, क्या क्या लाइसेंस है, वो आप सबमिट करें, देन ही डिसाइड कि आपका गलत है या सही है, राइट? बिल्कुल। इसके बाद फिर इसके बाद ऐसी खबर आ रही है कि वो 127 होटल को कब तोड़ा जाएगा। इवन ये खबर मैंने भी की है कि सिर्फ एक होटल को क्यों तोड़ा गया, बाकी के होटल को क्यों नहीं तोड़ा गया, ये मैंने भी की है। तो आपके कहने का मतलब कि ये जो एक आपसे डिमांड किया गया है जितने भी होटल्स वाले हैं कि आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स है आपके होटल से संबंधित वट एवर वो लीगल इलीगल जो भी है आप सबमिट करेंगे, देन दे डिसाइड कि क्या सही है क्या गलत है, राइट? बिल्कुल सही है। हमने कमिश्नर साहब का ध्यान में ये भी लाया है 30-40 साल पुराना होटल बहुत सारा है। ओके, 30-40 साल का पहले मीरा बंदर का हालत क्या था, मीरा बंदर का नक्शा क्या था आप भी जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं। शिवाजी पुतले से लेके फाटक तक का रोड होने दो, दहीसर चकनाके से लेके काशी मीरा तक का सर्विस रोड होने दो, उस टाइम नहीं था। अभी यही रोड आप देखेगा ना, मीरा बंदर का जो रोड है, मीरा बंदर का जो डिवाइडर बीच का जो डिवाइडर है वहां तक स्ट्रक्चर था। उस टाइम का कमिश्नर, उस टाइम का लोक प्रतिनिधि, नगर सेवक, ये लोग मिलके उस टाइम सभी से रिक्वेस्ट करके बहुत सारा लोगों ने न्यायालय में गया था, स्टे लाया था, वो सब स्टे रिटर्न लेके लोगों रास्ते के लिए जगह दिया हुआ है। तो इन्होंने यही बोला कि उस टाइम अगर आपका पास या मेरा पास एक ग्राउंड प्लस वन का स्ट्रक्चर रहेगा आप एक माला बढ़ा लीजिए, आपने जो जगह दिया इसका। उस टाइम सभी ने ये डिमांड किया था कि हम हमको कुछ लिख के दो, हम लिख के दे दो करके, एक माला बढ़ाओ करके हम नहीं लिख के दे सकते, आपको रिपेयर दुरुस्ती करने के लिए बोल के हम लिखेगा, लेकिन आप एक माला।
ये अभी का बात नहीं, बहुत पहले 10-15-20 साल पुराना, उसका बाद बहुत सारे कमिश्नर रखे गए, उसका बाद भी हर टाइम ये मुद्दा निकलता है, लेकिन कमिश्नर साहब को कौन बताना चाहिए? कमिश्नर साहब तो आते नया, उनको यहाँ का जनप्रतिनिधि या नगर सेवक लोग बताना चाहिए ऐसे ऐसा हमने कुछ सेटलमेंट करके ये जगह लिया हुआ है। किधर ना किधर हमारा होटल वाला या दूसरा, खाली होटल बोल के नहीं बोलते, ये रोड का साइड में जितना भी स्ट्रक्चर है उनका कुछ ना कुछ योगदान है ये रोड बनने में। दोस्तों ये एक सवाल है, और ये सवाल इसलिए भी है कि हमेशा जब भी साल में दो साल में इस तरह के मामले उठते रहते हैं कि अवैध होटल, अवैध ये, अवैध कारोबार, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे होटल हैं जो 30-30 साल पुराने हैं, 40-40 साल पुराने हैं। इन लोगों के पास फूड एंड ड्रग्स और बाकी जो अलग अलग तरह के लाइसेंस होते हैं होटल से संबंधित, वो भी होते हैं, ये लोग टैक्स भी भरते हैं, लेकिन फिर भी हर बार इनको ये प्रूव करना पड़ता है कि ये हमारा जगह है, हमने ये किया था, ये मुशक्क़त किया था, उस वक्त के कमिश्नर ने हमें ऐसा सहूलियत दिया था, उस वक्त के कमिश्नर ने ऐसा, ये बार बार इनको ही प्रूव करना पड़ता है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो इस शहर में अगर अवैध निर्माण की बात करें, अल्ट्रेशन की बात करें, तो बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग है, आप कह सकते हैं कि 80% बिल्डिंग ऐसी है जिसका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, दो, अगर चार माले की बिल्डिंग है तो दो माला इलीगल होगा, सात माले की बिल्डिंग है तो तीन माला इलीगल, ऐसा है ही, ऐसा कमोबेश हर जगह है। तो वक्त के हिसाब से सरकार और कानून व्यवस्था में बैठे अधिकारी भी एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करके शहर के हित में कुछ अच्छा काम करते हैं, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन आपके कुछ होटल्स में अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, मैं एकदम साफ साफ बात कर रहा हूँ, भले ही आप होटल एसोसिएशन से हो, आप उनके पक्ष में बात करो, कोरोना काल चल रहा है, कई ऐसे होटल में पीटा के तहत केस दर्ज किया है, ऐसे होटेलियर्स को क्या कहोगे? इसकी वजह से ऐसा नहीं लगता कि आपके होटल एसोसिएशन का भी नाम खराब होता है? बिल्कुल खराब होता है। मैंने तो कोरोना काल छोड़ो, उसका पहले भी मैंने बोल चुका हुआ, एसोसिएशन का मेंबर को साफ क्लियर करके हमने इंस्ट्रक्शन ही दे चुका है कि जो गलत धंधा करता है एक दो लोगों का वजह से एसोसिएशन पूरा होटल इंडस्ट्री का नाम खराब होता है, ऐसा काम मत करो। जो काम कर रहा है उधर अपना पुलिस सक्षम है, उनके ऊपर गुनाह भी दाखिल हो रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रहा है। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि उनको एक बार जो किया ठीक है, आपने केस किया, दोबारा करता तो उनके ऊपर जो कार्रवाई करना है करो, लेकिन उनका एक या दो होटल वाला का नाम पे सभी होटल को टारगेट मत करो।